तुझे पसंद है दीवा ले जा और बस खाम शिया में तेरे खाते तेर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। मिलो तुम फिर से एक दफा तो एक सवाल दूंगा, क्या इश्क कम था मेरा, हाँ कहोगी मानूंगा। मुझको छोड़ोगी फिर से तुम पहले की दफा ही, फिर भी हर दफा मैं इश्क बेशुमार दूंगा। Hey, what's up guys? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा और गाइज आप सभी को यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर चले आ जाना है। और ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो इसका आपको XML फाइल एंड प्रीसेट फाइल दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, यानी कि आप प्रीसेट के थ्रू या XML के थ्रू इस प्रोजेक्ट को अपने लाइट मोशन पर इम्पोर्ट करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाले प्रोजेक्ट को डायरेक्टली यहाँ पर XML के थ्रू या प्रीसेट के थ्रू इम्पोर्ट करवा लेना। अब यहाँ पर गाइस कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट। अभी आप कोई और सॉन्ग पे बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर आप समझ पाओगे और आप इजीली कोई भी दूसरे सॉन्ग पे बना सकते हैं। तो अभी मेरा ये सॉन्ग है जैसे कि आपने प्रीव्यू पे देखा। अब यहाँ पर गाइस कुछ ग्रुप्स है, वो ग्रुप सब आप थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन सॉन्ग पोस्टर है, फिर 5 है एंड 6 है। एंड यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ ये लेयर है तो ये सॉन्ग का नेम है, आप देख सकते हैं जो सॉन्ग का नेम विथ न्यू वर्जन, आप अपने क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं इस पर। तो ये रहा हमारा न्यू सॉन्ग का नेम। तो यहाँ पर इस आप सॉन्ग का नेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस टेक्स्ट के अंदर, जो कि ये वाला फॉन्ट है, जो कि ऑलरेडी आपको फॉन्ट मिल जाते हैं लाइट मोशन के अंदर। अब यहाँ पर गाइस ग्रुप 1, तो इसके आपको एडिट ग्रुप पर चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ़ोटो रहेगा, उस फोटो को आपको डिलीट कर देना है, या आपका फोटो नहीं रहता तो उस लेयर को डिलीट कर देना। अब यहाँ पर आप क्या करें, आप जिस भी फोटो पोस्टर को यूज़ करना चाहते हो आप उस वाले फ़ोटो पोस्टर को इंपोर्ट करो और उसे होल्ड करके नीचे की तरफ करो, उसे सिलेक्ट करके आप इस तरह छोटा कर लो। अब ये हो चुका। अब आप देख सकते हैं ये पोस्टर सब आपको पिंटरेस्ट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, या आप स्पॉटिफाई पर चले जाना और एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद उसे क्रॉप कर लेना, तो 1:1 रेशियो पे क्रॉप कर लेना। अभी आप सेकंड ग्रुप पर जा सकते हैं, इसे भी आप इस तरह सेम स्टाइल पे आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपको अपने ये वाला फोटो को इंपोर्ट करके एक्सटेंड करना है और इसे नाउ नीचे की तरफ करना है और इसे आप छोटा कर सकते हैं इस तरह। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर ये ग्रुप सबको जितने सारे ग्रुप्स है 1 एंड ये 2, फिर आपका मेन पोस्टर, मेन पोस्टर पर भी आप सेम इसी तरह कर सकते हैं लाइक जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप डिलीट करके अपना मेन पोस्टर को इंपोर्ट कर लो। तो इस तरह आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेयर सब पे ग्रुप पे फोटो पोस्टर सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह फोटो पोस्टर सब चेंज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये फ़ोटो मेन पोस्टर है, तो ये मेन पोस्टर इस तरह हाईलाइट होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रुप मिलता है, तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप के अंदर सेम उसी वाला फ़ोटो को यूज़ किया गया है जो आपका मेन पोस्टर है। तो आप यहाँ पर भी सेम उसी स्टाइल पे जैसे कि डिलीट कर दो और जो आपका फ़ोटो है उसे इंपोर्ट करके आप रिसाइज कर लो। तो इस तरह आपका यहाँ पर लेयर सब बन जाएगा मेन पोस्टर। ये ग्रुप 4 लेयर पे ये वाला आपका मेन पोस्टर एक डेडिकेटेड करके है और यहाँ पर आपका एक और एक ग्रुप मिलता है, तो इस ग्रुप पर भी आप अपना कोई भी एक इमेज को यूज़ कर सकते हैं लाइक मैं जैसे कि डेमो के तौर पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ इस फ़ोटो को और इसे मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ। इस फ़ोटो को आप सेट कर लेना इस तरह जैसे भी सेट करना चाहते हो और इस फ़ोटो को डिलीट कर देना, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा और आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ ये सोचो इस तरह बन जाएगा। तो अब वो फ़ोटो सब जो आपका ग्रुप लेयर सब है वो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ग्रुप 7 पे सेम आप कोई भी फ़ोटो पे वीडियो बना रहे हो तो उस वाले फ़ोटो को जैसे कि मैं अभी दिखाया, कोई भी फोटो है सोचो आपका ये वाला यहाँ पर ये वाला फ़ोटो है तो इसे इंपोर्ट करो, एक्सटेंड कर लो एंड तक, इसे होल्ड करके नीचे की तरफ कर लो और रीसाइज कर लो जितना रीसाइज करना चाहते हैं और इस फ़ोटो को आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी उसी तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर आप मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो कुछ आपका ग्रुप ये वाला भी बनकर रेडी है। तो ये ग्रुप भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसके अंदर ऑलरेडी इफेक्ट वगैरह दिया हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये लिरिक्स लेयर है, तो इस लिरिक्स लेयर के अंदर जैसे जोसेफिन सेंस सेमी बोल्ड फोल्ड फॉन्ट है तो आप ये फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप को और भी आप यूज़ फॉन्ट कर सकते हैं, बट ये अच्छा लगता है। और इसके अंदर आपको लिरिक्स मिल जाएंगे और इसके अंदर आप देख सकते हैं इफेक्ट्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर फोटो चेंज कर लिया आपने। अब यहाँ पर गाइस आपका नेक्स्ट जो फोटो है ये कुछ देख लो, ये ग्रुप के अंदर नहीं है तो आपको क्या करना है, अपना फोटो को यहाँ पर इंपोर्ट करना है।
तो जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो एक इम्पोर्ट किया, एक्सटेंड कर लेना है आपको जो जितना दूर आपका मार्क है, और उस फोटो लेयर को नीचे की तरफ इस तरह होल्ड करके आपको नीचे के लेयर की तरफ करना है, यानी कि आपका जो ऑलरेडी जिस फोटो पे, जैसे कि ये वाला फ़ोटो है, तो मैं इतना दूर एक्सटेंड कर लेता हूँ फोटो को। अब वो फोटो मेरा आ चुका है। अब इस वाले फ़ोटो को, इफ़ेक्ट्स को आप कॉपी कर लो। इफ़ेक्ट्स कॉपी करने के बाद आप इस वाले फ़ोटो पे पेस्ट कर दो। अब ये वाला जो फ़ोटो है नीचे वाला, उसे आप डिलीट कर दो। तो देखो ये इस तरह आपको हो चुका। तो यहाँ पर फिर से आपको इसे इंपोर्ट करना है जो कोई भी नया फ़ोटो को, और उसे नीचे कर लेना है, इसके इफ़ेक्ट्स को कॉपी करना है और उस फोटो पे पेस्ट कर देना है। तो कुछ वो इस तरह आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कुछ आपका वीडियो सब इस तरह शानदार तरीके से बनकर रेडी है। और यहाँ पर गाइज आप शैडो वगैरह, मतलब यहाँ पर ये एंड हो रहा है, तो वो सब आप कर सकते हैं। जैसे कि ओपेसिटी, इसके अंदर जैसे कि ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना, एक प्लस का आइकन यहाँ पर ऐड करना, और यहाँ पर एक प्लस का आइकन, और जो स्टार्टिंग वाला उसे आप जीरो कर देना। तो क्या होगा, ये देखो फेड आउट होगा, सॉरी यहाँ पर फेड आउट होगा, ये देखो फेड आउट होके ये हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सही लगता है देखने में कहीं ना कहीं। और यहाँ पर आपका जो ये वाटरमार्क है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना नेम कोई भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका कुछ इस तरह वीडियो बनकर रेडी है। अब आप समझ सकते हैं, आप कोई भी सॉन्ग पे वीडियो बना सकते हैं। लाइक जो भी आपका सॉन्ग है, ये पोस्टर सब उतना दूर आप एक्सटेंड कर लेना, जितना दूर आपका सोचो सॉन्ग इतना दूर है। तो ये सारा तीनों लेयर्स, ये सभी लेयर को इस तरह सिलेक्ट करके एक्सटेंड कर लेना उतना दूर, और सॉन्ग का नेम दे देना। उसके बाद ये इफेक्ट सब आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मतलब, और यहाँ पर नल इफेक्ट भी मिल जाएगा। जितना दूर आपका पोस्टर रहेगा उतना दूर आपका ये नल इफेक्ट भी रहेगा। तो गाइस इस तरह आप यहाँ पर ये वीडियो सबको बना सकते हैं। और यहाँ पर ग्रुप जितना दूर रहेगा उतना दूर आपका ये रेक्टेंगल रहेगा, और यहाँ पर ये वाला जो इफेक्ट है, ये वाला सर्कल इफेक्ट, ये सर्कल इफेक्ट आप देख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जहाँ पर भी करना है वहाँ पर आप ड्रैग कर देना उसे, तो ये कुछ इस तरह आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो ये ग्रुप लेयर है, उसके बाद इसके अंदर तो एक्सपोजर एंड गेमा है, बस जहाँ जहाँ पर आपको बिट देना है वहाँ पर एक्सपोजर एंड गेमा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, एक देना और यहाँ पर एक देना और एक मिडिल पे दे देना, मतलब तीन देना। अब यहाँ पर जो मिडिल वाला दिया हो उसे आप इंक्रीज़ कर लो, दैट्स इट, आपका कुछ वो इस तरह फेड हो जाएगा। तो ये इस तरह आपको एक्सपोजर एंड गेमा वाला सेटिंग करना है। ऑलराइट, आप आई थिंक समझ पाए हो जो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। और आप भी इस तरह प्रोजेक्ट पे बहुत सारा डिफरेंट टाइप का ऑडियो पे वीडियो बना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड पे भी है इस तरह। मैंने इंस्टाग्राम पे आया था, मैं देखा था, और मैं काफ़ी सारे वीडियो सब देखा था जो कि बहुत ही ट्रेंड पे इंस्टाग्राम पे, ऐसा लिरिक्स, मतलब क्रिएटिविटी दिखाओ, थोड़ा स्पॉटिफाई एस्थेटिक टाइप का लगता है। चलो यार, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।